أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم As per the today's video we will discuss the third part of the journal general the original book of entries in which we will discuss the remaining journal transactions that we have to record in our general journal In the next identification of account used in the transaction the next transaction in front of us is sold goods for cash the next ट्रांजेक्शन जो हमारे सामने है वो है कि हमने सामान बेचा है वो कैश पे बेचा है तो इट्स मीन द सेल्स प्रोसेस स्टार्ट्स और उसके लिए जो अकाउंट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं बेचने की सूरत में कैश हमारे पास आया और जो गुड्स हमारे पास से गई हमने उनको नाम दिया सेल्स का एज वी ऑलरेडी डिस्कस के जी जिस जब हम गुड्स की सेल की बात करते हैं गुड्स की परचेज की बात करते हैं तो हम उसमें उस गुड्स का जिक्र नहीं करते बल्कि सेल्स का और इस तरह परचेजिंग में परचेज का जिक्र किया जाता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है जो कि ट्रांजेक्शन नंबर 7 है सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट यानी गुड्स बेची गई हैं उधार पर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट इट्स मीन द सेल्स ऑन क्रेडिट का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आया है इसका मतलब ये है कि हमने जो पैसा है वो अभी रिसीव करना है हमने भी पैसा रिसीव नहीं किया जबकि दूसरा जो अकाउंट है वो है सेल्स का इसका मतलब ये है कि जो सामान बेचा जाना था वो ऑलरेडी हमारे पास से ट्रांसफर हो गया है कस्टमर की तरफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आई है वो है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश जिसमें अगेन सेल्स का प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हुआ है बट यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश यानी हमारे पास जो फर्नीचर मौजूद था हमने उसको कैश पे सेल कर दिया है तो उस सूरत में हमारे पास कैश रिसीव हुआ और हमने जो क्रेडिट में चीज़ रिकॉर्ड की या दूसरा अकाउंट जो यूज़ हुआ वो फर्नीचर हुआ यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क कि जब हम गुड सेल करते हैं तो हम सिंपली सेल्स को मेंशन करते हैं लेकिन जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो जो चीज़ बेची जा रही है हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी जो अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग है वो भी प्रॉपरली अपडेट हो जाए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 9 है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सोल्ड फर्नीचर फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट यानी फर्नीचर को उधार पर बेचा गया इट्स मीन सेल्स ऑन क्रेडिट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ अगेन हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है क्योंकि सामान के अगेंस्ट में जो पैसा हमारे पास आना था वो अभी तक नहीं आया जिसको हमने मेंशन किया इन अकाउंट ऑफ क्रेडिट और ऑन अकाउंट जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि सामान हमारे पास से चला जाएगा बट वी हैव टू रिसीवेबल कि हमारे पास रिसीवेबल मौजूद रहेगा तो और उसके साथ साथ क्योंकि हमने फर्नीचर को सेल आउट किया है तो हम अपने पास फर्नीचर को इन क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे जिसका मतलब ये होगा कि फर्नीचर जो है वो उधार पर बेच दिया गया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास आती है जो कि ट्रांजेक्शन नंबर 10 है वो है पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंसेस जिसमें हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की पेमेंट की जब भी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट में पेमेंट की जाती है उसको हम हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं उन एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उस एक्सपेंस की पेमेंट क्योंकि कैश की सूरत में की जाती है जो दूसरा अकाउंट हमारे पास इस्तेमाल होता है वो हमारा कैश का अकाउंट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो आखिरी एंट्री हमारे पास आती है जो 11 नंबर ट्रांजैक्शंस कहलाती है वो हमारे पास विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ है जिसका मतलब ये है कि कैश निकाला जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब हम इसका बात करते हैं तो इसका मतलब जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है कैश फॉर पर्सनल यूज और इसके लिए जो एक अकाउंट इस्तेमाल होता है हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग का और ड्राइंग के डेफिनेशन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं जिसका मतलब ये है कि जब भी कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा ड्राइंग का दूसरी साइड पे यकीन है जो अमाउंट हमारा यूज हो रही है या जो अकाउंट यूज हो रहा है वो है कैश क्योंकि कैश में कमी वाकई हो रही है आफ्टर द 11th बेसिक ट्रांजेक्शन देयर आर सम एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन विच आर द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन द फर्स्ट वन इज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर जब हम कोई चीज़ अपने सप्लायर से उधार पर ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे मेयार के मुताबिक ना हो तो हम उस गुड्स को जिन सप्लायर से हमने ख़रीदा होता है हम उनको वापस कर देते हैं उस सूरत में जो प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हुआ वो गुड्स रिटर्न का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें पहले नंबर पर क्योंकि हमने सामान उधार पर ख़रीदा था तो हमारा जो पेबल अमाउंट था वो यकीनन कम हो जाएगा तो हम उसको एक अकाउंट को एज ए डेबिट साइड पे इस्तेमाल करेंगे
उसके साथ साथ जो हम चीज या अकाउंट इस्तेमाल करेंगे वो है परचेज रिटर्न, क्योंकि जो सामान हमने खरीदा था हम उसको रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो हम अपने पास मेंशन करेंगे क्योंकि वो सामान परचेज किया गया था, इसलिए उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इन परचेज रिटर्न अकाउंट। इन द सेम मैनर सम अदर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी जब हमने सामान कोई उधार पर बेचा हो किसी कस्टमर को, जिस तरह हमें चीज़ पसंद ना आए तो हम अपने सप्लायर को वापस करते हैं, इसी तरह जब कस्टमर को कोई चीज़ पसंद ना आए और हमें वापस कर दे तो इट्स मीन द अगेन इट्स प्रोसेस नोन एज गुड्स रिटर्न प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो सामान हमने बेचा था हम उसको वापस रिसीव करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड हैंड इस्तेमाल करेंगे वो है अकाउंट रिसीवेबल, यानी अब जो हमें पैसे मिलने थे क्योंकि ये सामान वापस हो गया, इसलिए जो पैसा मिलना था जितने का सामान हमें वापस हुआ उतना ही अमाउंट हमारे रिसीवेबल में से कम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आती है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। जब सप्लायर उधार पर कोई माल बेचता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो उसका अकाउंट है या जो उसका अमाउंट है वो उसको जल्द से जल्द रिसीव हो जाए, ताकि वो अपनी फर्दर ट्रांजैक्शंस को आसानी के साथ मुकम्मल कर सके। इस सिलसिले में जब सप्लायर अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं तो उसको नाम दिया जाता है डिस्काउंट रिसीव का या परचेज डिस्काउंट का। तो जब कस्टमर को सप्लायर की जानिब से डिस्काउंट मिलता है तो पहले नंबर पे अकाउंट पेबल का अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है, यानी जो अकाउंट पेबल हमारे पास यानी जो पे करना था उसमें मजीद कमी हुई उसको हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया, और साथ साथ जो क्रेडिट अकाउंट होगा वो है परचेज डिस्काउंट का अकाउंट, जो कि इस बात को क्लियर कर रहा है कि हमें कितना पैसा डिस्काउंट की सूरत में सप्लायर ने माफ़ किया। और हम जब बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड की, यानी हमने जो सामान बेचा हुआ था और हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, तो उस सूरत में हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो पहले सूरत में जो हमारे पास डेबिट साइड पर अकाउंट आएगा वो है सेल डिस्काउंट का डेबिट, और जो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा अकाउंट रिसीवेबल, यानी डिस्काउंट की सूरत में इतना पैसा कम हो जाएगा और उसी के साथ साथ हमें अपने रिसीवेबल अकाउंट में भी कमी करनी पड़ेगी, ताकि हम ये क्लियर कर सकें कि कितना पैसा रिसीवेबल के अकाउंट में अब मौजूद है। हम जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ डिस्काउंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, और उन डिस्काउंट टर्म्स को हम जानते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आती है 2/10। ये 2/10 का मतलब जो हमारे पास प्रोसेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2% जो अपर वैल्यू है वो परसेंटेज को शो करती है और जो लोअर वैल्यू है वो डेज को शो करती है। इसका मतलब 2/10 का मतलब ये हुआ 2% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 वर्किंग डेज। और उसके साथ साथ एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं N/30। N रिप्रेजेंट नेट वैल्यू और 30 डेज का मतलब ये है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो 30 डेज की है। यानी N/30 का मतलब क्या हुआ कि N means net amount will be pay within 13 working days। अब कुछ कंपनीज जो हैं इस 30 की जगह पे वो 60 का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 90 का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं और 120 डेज का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये सब की डिस्काउंट टर्म्स जो हैं या जो डेज की कंडीशन है ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना अलाउ करती है कि कितने दिन का क्रेडिट उस कंपनी के पास मौजूद है जिसके बिहाफ पर वो पेमेंट करने की बात करेगा। अगर तो कंपनी डिस्काउंट हासिल करना चाहती है तो विद इन गिवन डेज के अंदर हासिल कर सकती है, लेकिन अगर वो नेट अमाउंट की बात करती है तो हमेशा 30, 60, 90 या 120 डेज का सारा लिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी अमाउंट पे करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम प्रोसेस को किस तरह जनरलाइज फॉर्म मिलेंगे या किस तरह जनरल प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू।